राजस्थान के करणपुर विधानसभा क्षेत्र पदमपुर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने भाजपा की जीत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। दिया कुमारी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं और यहाँ के सभी नागरिक बंधुओं, आपका भी और मुझे लगता है हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी सौभाग्य है कि हमारे प्रत्याशी के रूप में आज हमारे सुरेंद्र पाल जी आप लोगों के सामने खड़े हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन चुकी है, डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार, और हम सभी का इतना बड़ा सौभाग्य है कि पूरे विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता आज हमारे देश के प्रधानमंत्री। और माताएं बहनों, आप लोगों का तो मैं मानती हूं कि हम सबका इतना बड़ा एक गौरव का विषय है और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता की है हमारी माताएं बहनों की, वो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने नहीं। राजस्थान के मंत्रिमंडल के बारे में सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सीपी जोशी। इंतजार की घड़िया समाप्त हो गई और शीघ्र ही 3:30 बजे हम सब लोग राजभवन में मिलते हैं। कितने सदस्य रहेंगे, कितने मंत्री शपथ लेंगे, सबको बता भी है मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, कितनी संख्या होगी, इसकी सभी की जानकारी हम सब लोगों को राजभवन में जाने के बाद निश्चित रूप से पुख्ता हो जाएगी कि कितने लोग शपथ ले रहे हैं। वैसे लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जातिगत समीकरण हो या फिर कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय समीकरण है वो साधने की कोशिश करें, किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 4 जातियां हैं इस देश में, गरीब, युवा, महिला और किसान, ये 4 जातियां हैं। और इन 4 जातियों के कल्याण के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए, उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। और आप लोगों ने देखा है कि कोई सरकारें थी जो 5 वर्ष के लिए चुनी गई, लेकिन अंतिम 5 महीनों में अपना चेहरा ठीक से वापस जनता के बीच में ले जाने के लिए कुछ काम किया, वो दिखावे के लिए काम किया, लेकिन यहाँ 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय कई माननीय मुख्यमंत्री मदनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में इस सरकार ने किए हैं। तो आने वाले समय में भी मंत्रिमंडल के गठन के बाद निश्चित रूप से एक विकसित भारत, प्रगतिशील राजस्थान, विकसित राजस्थान, सशक्त और समृद्ध राजस्थान, इस दिशा में माननीय मदनलाल जी के नेतृत्व में इस दिशा में सरकार। भाई साहब, आपने कहा कि बीजेपी के अंदर 4 जातियां हैं, युवा है, इसके अलावा महिला वर्ग है, तो इस मंत्रिमंडल में क्या युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा बीजेपी की तरफ? जल्दी आपको बता, कुछ ही घंटे पड़े हैं और आज करणपुर में तो बहुत बड़ा परिवार और कई लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। तो स्पष्ट संकेत है कि यहाँ भी कमल खिला है और कमल करणपुर में भी कमल खिलेगा। भाई साहब, युवा जाति को क्या इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, ये मैं लाल सिंह जी से पूछ के बताता हूँ। जोशी जी, जोशी जी, भजनलाल जी कई बार दिल्ली जा चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, तो क्या सारे नाम वो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ ही तरफ से ही डिसाइड किए गए हैं, जयपुर से कुछ डिसाइड हुआ है? देखिए, माननीय भजनलाल जी इस दिशा में, चूंकि वो देश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और चूंकि नेतृत्व ऐसा कांग्रेस पार्टी में होता है कि हाईकमान हम चलाते हैं, दिल्ली हम चलाते हैं, सारी व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है, उनका कुशल मार्गदर्शन मिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ एक प्रभावी मंत्रिमंडल में शीघ्र आज अपने को देखेंगे। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कोटा दक्षिण से बीजेपी विधायक संदीप ने सफाई अभियान की शुरुआत की। विधायक ने विज्ञान नगर डिस्पेंसरी चौराहे पर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान का आगाज किया। इस दौरान उनके साथ मौजूदा कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठन के सदस्यों ने भी झाड़ू लगाई, इलाके में सफाई की, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का संकल्प भी दिलाया।
भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने शनिवार प्रातः सुबह मुख्यालय में राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद साहू ने कहा कि राज्य सरकार की निर्देश और प्राथमिकताओं के आधार पर अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, गैंगवार व साइबर अपराधों की रोकथाम की दिशा में विशेष कार्य किया जाएगा। कायदे पे ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो हमारा काम है। बिल्कुल है इशू, ये बहुत बड़ा मेजर इशू है हमारे स्टेट में और आसपास के कुछ स्टेट्स में, तो उस पर जितनी सिंसियरली मेहनत करने की आवश्यकता है उतनी सिंसियरली मेहनत करने के प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि कोई सफलता हमें मिले। उसमें भी वही मतलब बेसिकली आज मैंने ज्वाइन ही किया है। इन सारे चीज इश्यूज को एक बार जब तक टीम के साथ बैठ के समझ के आगे पूरा निटिग्रिटी का ध्यान नहीं आ जाए तब तक कोई चीज प्लान करके आगे करने की बात अभी मैं कहना जल्दबाजी होगा, बट प्रयास हमारी यही रहेगी कि जो गवर्नमेंट की इन मुद्दों पे प्रायोरिटी है उस प्रायोरिटी को हम अच्छी खासी अपने सिंसियरली मेहनत करके काम करें ताकि हमें कोई सफलता उसमें मिले। वो सेम चीज एक ही बार सभी चीजों का एक बार देख के करके फिर हम चलेंगे। लंबे इंतजार के बाद आज राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आए थे और 30 दिसंबर को मंत्रियों की शपथ हो गई है। दोपहर 3 बजे के बाद राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार देर रात मंत्रियों के नामों की सूची पर दिल्ली से अंतिम मुहर लगाकर जयपुर पहुंचे थे। जिले के पारोली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार जारी है। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो कोटा रेंज ने साल भर में 38 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ट्रैप की कार्यवाही की। इनमें रिश्वत मांगने के 35 व आय से अधिक संपत्ति के 3 प्रकरण दर्ज किए गए, साथ ही 3 आकस्मिक चेकिंग भी की गई। नए साल से पहले राज्य सरकार 100 से ज्यादा नौकरशाहों को प्रमोशन का तोहफा देने जा रही है। 31 दिसंबर की रात तक पदोन्नति वाले अफसरों की सूची जारी कर दी जाएगी। जिन अधिकारियों को पदोन्नति होगी उनमें करीब 47 IAS, 41 IPS और 22 IFS हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों की स्क्रीनिंग करके अपनी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को सौंप दी है, जिसके बाद कार्मिक विभाग ने भी सूची तैयार कर ली है। उदयपुर में अभी पर्यटन सीजन की धूम मची हुई है। शिल्प ग्राम मेले में रोजाना 20,000 पर्यटक पहुंच रहे हैं, साथ ही दूसरे पर्यटन स्थलों पर भी बड़ी संख्या में सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच उदयपुर में कोरोना ने भी दस्तक दे दी है। यहां 3 महीने बाद एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। पर्यटन सीजन ने इस पॉजिटिव केस ने सभी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बाहर के बड़ी संख्या में पर्यटक आए हुए हैं जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि मरीज वेरिएंट JN.1 से पीड़ित है या नहीं। राजस्थान में अब सर्दी बढ़ने लगी है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। राजस्थान के कई जिलों में अब तक न्यूनतम तापमान का पारा भी गिरने लगा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फतेहपुर में न्यूनतम पारा 3.5 डिग्री दर्ज किया गया है।